हेलो, मेरा नाम कासिम है और आज मैं आपको बताऊंगा कि वाइन ग्लास किस तरह बनाएंगे हम ऑटोडेस्क माया में। तो शुरुआत करते हैं। माया से मैंने एक रेफरेंस इमेज डाउनलोड कर लिया है, आप भी एक नेट से एक डाउनलोड कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। फ्रंट व्यू में आ गए और इधर हम इमेज इंपोर्ट कर लेंगे। इमेज इंपोर्ट कर ली, हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ये ठीक है। पॉलीगॉन टैब में हम मौजूद हैं और पॉलीगॉन टैब में हमारे पास फेयर, ये क्यूब और काफ़ी चीज़ें हैं। इन टूल्स की मदद से हम मॉडल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे वाइन ग्लास के लिए। ओके, शेडेड मोड में हम लिया इसको और हम इसके टॉप और डाउन फेसेस डिलीट कर देंगे और एक्सरे मोड एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि इसकी 50% ओपेसिटी कम हो जाए। वर्टेक्स मोड में आके हमने, आपको वर्टेक्स मोड का पता होगा क्योंकि हमने पहले लेक्चर में ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। आप चाहे तो ओल्ड ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं मेरे। नाउ हमने क्या किया है कि इसके अपर एंड लोअर वर्टेक्स पकड़ के हमने इनको स्केल किया है। किस तरह किया है मैं आपको अंडू करके अगेन बता देता हूँ कि मैं इस पर राइट क्लिक करेंगे, वर्टेक्स मोड पे आ जाएंगे और हम इसके ये सारे वर्टेक्स पकड़ लिए। हमारे पास यहाँ पे ये स्केल टूल मौजूद है, तो इसमें हम ये मिडल माउस, ये यहाँ से आप इसको स्केल अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इसको स्केल मैं करता हूँ एक्स, फिर हम इसके नीचे एजेस पकड़ लेंगे। एज टूल में आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा और एक्सट्रूड और मूव टूल से हम इसको मूव कर लेते हैं और स्केल करके हम इसे छोटा कर लेते हैं। अगेन मैं जी प्रेस करूँगा, लास्ट कमांड होती है जो आपने यूज़ की। लास्ट कमांड हमने एक्सट्रूड की यूज़ की है, ये कमांड्स नहीं है, ठीक है? ये कमांड्स होती हैं जो आप यूज़ करते हैं। कुछ हमने लास्ट एक्सट्रूड यूज़ की थी, तो जी प्रेस मैं करूँगा तो मुझे बार बार इधर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया इस पर। अब मैं डब्ल्यू का बटन दबाऊंगा, मूव टूल होता है ये, और इसको मैं मूव करूंगा। तो मैं शॉर्टकट कीज यूज़ कर रहा हूँ। ये मूव किया, छोटा हो गया। तो अगेन एक्सट्रूड, मूव, ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा क्योंकि यहाँ पे इमेज थोड़ी आपको फुल, जिसे कहते हैं पर्सपेक्टिव व्यू है, ये फ्रंट व्यू की पिक्चर नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि फ्रंट में आपको ये इस तरह नहीं आपको शेप नज़र आती। अगर आप देखें, मैं भी आपको क्रिएट करके बताता हूँ इसकी शेप बनेगी किस तरीके से। ये चीज़ तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपकी एक्चुअल फुल सीधी लाइन यहाँ पे बननी चाहिए जो इसकी बेस होती है। तो बेस आपने नहीं बनानी, बेस आपने खुद क्रिएट करनी है। शूट कर लेता हूँ और ग्रिड मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ग्रिड में डिसेबल कर लेता हूँ। ये ग्रिड का ग्रिड ऑफ हो गई और यहाँ पे आपका काम डन हो गया। यहाँ पे आप इसको फिल कर दें, फिल होल कर दें, एडिट सॉरी मैश, और इसमें फिल होल। तो ये आपका बंद हो गया, वापसी में ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। तो नीचे से कंप्लीट है। अब ऊपर की तरफ जाते हैं, एच से लूप पकड़ लिया। एक्सट्रूड आपने कोशिश, मतलब यूज़ जो करना है ज़्यादातर एजिस को एक्सट्रूड करना है, वर्टेक्स को नहीं करना बिल्कुल भी। फेसेस को कर सकते हैं लेकिन इस केस में हम लोग एज को एक्सट्रूड कर रहे हैं। फासला थोड़ा कम रखता हूँ ताकि ज़्यादा स्मूथनेस मुझे नज़र आए।
आपने इक्वल डिस्टेंस के साथ चलना है। आप इसका गैप देखें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये चीज़, ये ना हो कि आपने यहाँ पे गैप इधर रखा है और नेक्स्ट पे आपने गैप इतना रखा हो। नहीं, आपने गैप कोशिश करनी है कि इक्वल रखना है, इक्वल गैप के साथ चलना है। ऑलमोस्ट डन है, बाकी अगर बाद में भी आप सेट कर सकते हैं अगर आपको कुछ ठीक नहीं लगा। आई थिंक परफेक्ट है। ओके, यहाँ पे आपका काम डन नहीं हुआ। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने इनसाइड मेश बनाना है, क्योंकि ये यहाँ से जाते हुए ये फिर अंदर की तरफ आप लेके जाएंगे ताकि इसमें थोड़ी थिकनेस आ जाए। अभी आप ये देखेंगे बिल्कुल पेपर की तरह पतला सा मेश है, तो आपने इसमें थिकनेस देनी है जिस तरह होती है। तो इसको हम लोग अभी कंटिन्यू रखेंगे और वापस नीचे की तरफ लेके आएंगे। एक्सट्रूड थोड़े समय इतना रखता हूँ और फिर मैं अगेन एक्सट्रूड करके नीचे ले आता हूँ। तो अब आप इसमें देखेंगे एक इसमें थिकनेस है, तो आप बिल्कुल इसी तरह नीचे लाएंगे। यहाँ लाते हुए आप इसको बेशक क्लोज कर दें। आपको देखना थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाए। ये रहा आपका पार्ट और देन आप इस हिस्से को फिल होल करके बंद कर दें। फिल होल, तो ये देखें। बाकी आप क्या करेंगे, आप इसको स्मूथ व्यू में देखेंगे। आप थ्री का बटन प्रेस करेंगे, नॉर्मल सिंपल थ्री का बटन प्रेस करें और ये आपको इसका स्मूथ व्यू दिखाएगा। तो अभी इसने सब कुछ स्मूथ कर दिया है। कुछ जगहों पे हमें शार्पनेस चाहिए होती है, जैसे आप ये इसकी बेस देख रहे हैं, ये भी इसने काफ़ी राउंड कर दी है। यहाँ पे हम शार्पनेस देने के लिए एक एज डालते हैं जिसकी वजह से ये हिस्सा शार्प होएगा। इंसर्ट एज लूप टूल, ये रहा एडिट मैश में इंसर्ट एज लूप टूल, और आप क्लिक करेंगे इस तरह। ये आपने किधर डाल दिया और इधर डाल दिया। तो अब आप थ्री का बटन प्रेस करें तो देखें यहाँ पे आपके पास शार्पनेस आ चुकी है। ऊपर आ जाए और मुझे थोड़ी सी शार्पनेस इसके इस जगह पे चाहिए, तो यहाँ इनसाइड भी मैं एक एक डाल लेता हूँ। और अब मैं थ्री बटन प्रेस करता हूँ, अब देखेंगे मेरे पास काफ़ी अच्छी लुक आ चुकी है इसकी। तो अब देख लें, हमने काफ़ी अच्छे तरीके से वाइन ग्लास कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।